Good morning, student. Previous video, we already seen example number 1 of final account. Now, example number 2. The following is the trial balance as at 31/3/2017 of J and VJ. Prepare revised trading account, profit and loss account, current account and balance it with consideration of necessary adjustment. यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस दिया है ऑफ जय और विजय का. हमें क्या बोला है, प्रिपेयर रिवाइज. रिवाइज मतलब ऑलरेडी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है. अब हम सेकेंड मतलब वापस उसको रिवाइज, मतलब कुछ एंट्री हम भूल गए होंगे, सिर्फ वो एंट्री रिकॉर्ड करना है. इसके लिए रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बोला है. पीएनएल अकाउंट बोला है, इसके लिए हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे. करंट अकाउंट बोला है, इसके लिए हम करंट अकाउंट बनाएंगे. और बैलेंस शीट मींस करंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि वो हमें नहीं बोला है. तो हमें सिर्फ ये 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 अकाउंट्स बोला है, तो हम सिर्फ ये 4 अकाउंट बनाएंगे. ये हमारा ट्रायल बैलेंस दिया है. उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट दिया है. जैसे कि पहला एडजस्टमेंट दिया है, प्रिपेयर इंश्योरेंस ₹200. तो ये हमारा इंश्योरेंस में इसकी एक एंट्री जाएगी और प्रिपेयर है तो असेट में जाएगी. जे विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹2,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, तो ये ड्राइंग है. गुड्स ऑफ ₹4,000 परचेज ऑन क्रेडिट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट है तो एक ट्रेडिंग में जाएगा, दूसरा क्रेडिटर्स में. रिटर्न और राइट ऑफ ₹400 एज द बैड डेप्ट, तो ये हमारा बैड डेप्ट का जो पूरा फॉर्मेट होता था, जो पी एन एल में बैड डेप, बैड डेप एडजस्टमेंट, बैड डेप रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस बैड डेप ट्रायल रिजर्व ट्रायल बैलेंस, वो पूरा फॉर्मेट जो डिटेल में सब माइनस करते थे सारा, तो वो वाला पूरा फॉर्मेट है जो 11th स्टैंडर्ड में किया है. नंबर 5, देर इज़ नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व डेटर. डिस्काउंट रिजर्व डेटर की कोई नीड नहीं है, तो डिस्काउंट रिजर्व डेटर जो हम पूरा पी एन एल में फॉर्मेट बनाते थे वो नहीं बनाएंगे. डायरेक्टली हम उसकी पी एन एल में क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे. प्रोवाइड 20% डेप्री ऑन प्लांट एंड मशीन. 20% डेप्री निकालना है तो 2 एंट्री, एक बैलेंस शीट में, एक पी एन एल में. 5% फर्नीचर और फिटनेस में, 5% फर्नीचर और फिटनेस में डालना है. नोट क्या दिया है हमें कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज गिवन एज द ट्रायल बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट हमने जो पहले बनाया है उसका हमारा पूरा टोटल करने के बाद क्रेडिट साइड में जो अमाउंट आया है वो यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट नाम से दिया है. टू इनकॉर्पोरेट द इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंड टू असर्टेन रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर. हमको वापस से रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट बनाना है, इसके लिए हम रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि कुछ एंट्री हम भूल गए थे. नाउ हम यहाँ पे एंट्रीज देखते हैं. सबसे पहले हमारा है पार्टनर्स कैपिटल. तो जो हम बैलेंस शीट मीन्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में सबसे ऊपर लिखेंगे पार्टनर कैपिटल, जिसमें जय की कॉलम में 80,000, विजय की कॉलम में 60, और दोनों का प्लस करके आउटर कॉलम में जो दोनों का प्लस आएगा वो. तो ये हमारा बैलेंस शीट है, जय में 80, विजय में 60 और आउटर कॉलम में 140. देन करंट है, तो हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जय क्रेडिट साइड में दिया है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बाय बैलेंस बीडी कितना 20,000 जय के कॉलम में, और विजय का डेबिट साइड में लिया है तो हम डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 5,000 विजय की कॉलम में. क्लोजिंग स्टॉक, हमारे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट दी है, तो उसके लिए हम इसको एक ही इसकी इफेक्ट आएगी, वो होगी बैलेंस शीट में असेट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा जो दिया है वो हमारा रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बोला है, इसके लिए हम पी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट 30,900. कैश ऑन हैंड असेट साइड लिखेंगे बैलेंस शीट में असेट. करंट अकाउंट विद बैंक, तो ये भी हमारा करंट अकाउंट विद बैंक है तो बैंक बैलेंस है, तो सेम असेट साइड में जाके लिखेंगे बैलेंस शीट में. फिक्स डिपॉजिट विद बैंक असेट, बैलेंस शीट में असेट साइड. डेटर्स, डेटर भी हमारा असेट होता है तो बैलेंस शीट में असेट साइड. इसमें एंट्री है तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें एंट्री हमें डालना है बैड डेप रिजर्व और बैड डेप की. सैलरी पीएनएल में. फ्री होल्ड लैंड असेट है तो असेट में.
प्लांट एंड मशीनरी हमारा दिया है, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा असेट होता है, इसमें हमारी एक एंट्री थी डेप्रिसिएशन की, इसके लिए इसकी अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर एंड फिटनेस हमारा सेम असेट है, असेट बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे, लेकिन इनर कॉलम में और एक लाइन का गैप देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन का पॉइंट है। फैक्ट्री ऑन लीज, लीज विल बी एंडेड ऑन 31/3/2021 और हमारी अमाउंट कितनी दी है 30,000। पहले तो ये असेट है, इसके लिए असेट साइड में लिखेंगे, लेकिन इसमें हमें डेट, ये हमारा ब्रैकेट में डेट लिखा है तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने कितने साल के लिए फैक्ट्री को लीज पे लिया है। तो हम ये अकाउंट बना रहे हैं 2017 से, तो हमारा 2017 में साल एंड, तो 2017, 18, 19, 20 एंड 21, मतलब 5 साल का हमारा ये अकाउंट है। तो फैक्ट्री में हमारा आएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 5, जो हमारा अमाउंट आएगा 30,000 को डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आएगा हमारा अमाउंट यहाँ पे है के 6,000, 30,000 डिवाइड बाई 5 तो 6,000। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ, मतलब हमारा रिटर्न ऑफ है, ये साल का भाड़ा सिर्फ 6,000 है, तो 30,000 माइनस 6,000 और आउटर कॉलम में हमारा 24,000। यहाँ पे हमारा डेट ऑफ डेट दिया था, इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद है लोन ऑफ पार्टनर विजय, विजय का दिया है हमारा लोन, तो हमारा पहला था लोन है तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में हमने पहले कैपिटल्स के एंट्री डाली थी, फिर हम करंट के लिए थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे, फिर नीचे हम लिखेंगे लोन ऑन विजय करके इनर कॉलम में लिखोगे 30,000। अब हमारी यहाँ पे डेट दी है 1/10/2016, तो हमारा 1/10 से काउंट करेंगे, मीन्स अक्टूबर। यहाँ पे हमारा अक्टूबर से दिया है, तो हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब 6 महीने का लोन हमारा 6 महीने का है। और सेकंड पॉइंट हमारा, यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं दिया है, तो अगर परसेंटेज हमें नहीं दिया हो तो अकॉर्डिंग टू द रू, हमारा प्रोविज़न जो होता है अकाउंट का, उसके हिसाब से लोन का अगर हमारा परसेंटेज नहीं दिया तो हमें एज्यूम करना है 6%। ये हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न एक्ट के हिसाब से दिया है, तो हम पहले 30,000 का 6% निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई 6/12, वो हमारा आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे विजय लोन 30,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा आया 900, जो हमने कैलकुलेट किया। और विजय इंटरेस्ट ऑन लोन की दूसरी एंट्री हमारी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने पार्टनर्स का कैपिटल नहीं बनाया है, ना ही हमने P&L अप्रो बनाया है, क्योंकि वो दोनों हमें बोला ही नहीं था, हमें सिर्फ बोला था रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके लिए विजय लोन अकाउंट को हम डालेंगे P&L में डेबिट साइड, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। आफ्टर डेट हमारा दिया है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, मीन्स डिस्काउंट रिजर्व जो पहले दिया था कि प्रोविजन में हमने कुछ बनाया नहीं, तो उसकी डायरेक्ट एंट्री हमारी आ जाएगी P&L में डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 380, क्योंकि हमारा एडजस्टमेंट बोला था यहाँ पे इस पे। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट है बैड डेट रिजर्व, तो सेम बैड डेट रिजर्व है, तो इसका जो हमने फॉर्मेट बनाया होगा बैड डेट प्लस बैड डेट ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट एडजस्टमेंट प्लस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस, तो ये हमारा फॉर्मेट में हम लिखेंगे यहाँ पे बैड डेट रिजर्व 1,000 P&L के डेबिट साइड में। इंश्योरेंस प्रीमियम है, एक्सपेंस है, तो P&L के डेबिट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है हमारा P&L डेबिट साइड। क्रेडिटर एंड सप्लायर, तो हमारा ये क्रेडिटर है तो हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बैड डेट सेम हमारा P&L में जो फॉर्मेट बनाया था वहाँ पे बैड डेट में लिखोगे 200। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो P&L के डेबिट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो P&L के डेबिट में। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट दी है। सबसे पहले है प्रीपेयर इंश्योरेंस पे ₹200, हमने प्रीपेयर किया है, हमने ऑलरेडी पे किया है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम था उसमें से माइनस करेंगे प्रीपेयर ₹200 और आउटर कॉलम में 800, और प्रीपेयर है तो हमारा हमारे लिए वो असेट है, तो इसकी सेकेंड एंट्री जाएगी बैलेंस शीट में असेट साइड प्रीपेयर इंश्योरेंस ₹200।
एंट्री है जय विड्रॉ गुड्स ऑफ रुपीज 2000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है जय ने, तो इसकी हमारी एंट्री होगी कितना उसने विड्रॉ किया है 2000। तो हमारा पार्टनर्स करंट में डेबिट साइड क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा है इसके लिए टू ड्रॉइंग अकाउंट जय के अमाउंट में आएगा हमारा 2000। और सेकेंड है उसने गुड विड्रॉ किया है मतलब उसने परचेस मतलब हमने जो भी परचेस किया होगा उसमें से हमारा सामान बाहर जा रहा है इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम माइनस करेंगे ड्रॉइंग ऑफ गुड जो जय ने विड्रॉ किया है वो है 2000 का। थर्ड एंट्री हमारी गुड्स ऑफ रुपीज़ 4000 परचेज ऑन क्रेडिट ऑन 28/3/2017 विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो ये हमारा अनरिकॉर्डेड है, तो रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड परचेज रुपीज़ 4000 एंड उसके बाद बैलेंस शीट में इसकी एंट्री हमारी जाएगी जो क्रेडिटर्स है उसमें प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज रुपीज़ 4000 और आउटर कॉलम में 60000। नंबर फोर है हमारी एंट्री राइट ऑफ रुपीज़ 400 एज द बैड डेप्ट, तो हमारा बैड डेप्ट में हम लिखेंगे पीएनएल में जो हमने फॉर्मेट बनाया होगा टू बैड डेप्ट नीचे होगा प्लस बैड डेप्ट पर ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट वहाँ पे आएगा 400 और सेम डेटर्स हमने जो बनाया होगा असेट में वहाँ पे हम माइनस करेंगे 400 एंड प्रोवाइड 5% बैड डेप्ट रिजर्व। तो हमने क्या किया होगा डेटर में से सबसे पहले हम माइनस करेंगे 400 जो हमारा बैड डेप्ट था फिर हमारी जो अमाउंट आएगी 18000 उसका हम 5% निकालेंगे जो आया 900 और इसकी सेकेंड एंट्री जाएगी पीएनएल के डेबिट साइड में जो हमने फॉर्मेट बनाया होगा वहाँ पे टू बैड डेप्ट रिजर्व 900। तो हमारा फॉर्मेट है बैड डेप्ट प्लस बैड डेप्ट रिजर्व बैड डेप्ट न्यू मतलब हमारा जो एडजस्टमेंट का वो प्लस बैड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट वाला माइनस बैड डेप्ट रिजर्व ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस वाला आउटर कॉलम में 500। देर इज़ नो नीड, तो हमने ये एंट्री ऑलरेडी की थी कि बैड डेप्ट रिजर्व एंड डेटर को हमने पीएनएल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया था। सिक्स है प्रोवाइड 20% डेप्री ऑन प्लांट एंड मशीन एंड 5% फर्नीचर 5% ऑन फर्नीचर एंड फिटनेस। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे डेप्री हमारा जो भी प्लांट एंड मशीन है प्लांट एंड मशीन का 20000 का हम डेप्री निकालेंगे जो हमारा दिया है डेप्री हमारा बोला था कितना प्रोवाइड करने का 20%। तो हम इसका 20% निकालेंगे 20000 का 20% था 4000। इसकी सेकेंड एंट्री होगी पीएनएल में डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सेम फर्नीचर का लिखेंगे 5000 का 5% मतलब 250 और इसकी सेकेंड एंट्री होगी पीएनएल के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड फर्नीचर एंड फिटनेस रुपीज़ 250। उसके बाद हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट, हमारी सारी एडजस्टमेंट हमने कर दिया, हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर दिया। अब हम टैली करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे ट्रायल रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड का टोटल जो ज़्यादा है वो नीचे इनर लास्ट में लिखेंगे, डबल लाइन टैली किया। फिर हमने हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 30900 जिसमें से हमने माइनस किया 2000 एंड 6000 तो 22900 आया हमारा रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल के क्रेडिट साइड में और फिर हम पीएनएल का क्रेडिट टोटल करेंगे और डेबिट टोटल करेंगे। तो हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आया है 26550। तो हम ये नीचे टोटल में जो हमारा ज़्यादा अमाउंट है वो लिखा है फिर उसमें से माइनस किया हमने क्रेडिट साइड का 22900 माइनस 380 तो हमारा टोटल आया हमारा गैप आ रहा है 3270 का जिसको हमने डिविजिबल में बांटा। अब सबसे पहले का यहाँ पे हमें रेशियो नहीं दिया था कि डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कितना है वो नहीं दिया था, इसके लिए हमने एज्यूम किया कि दोनों पार्टनर के बीच में इक्वल रेशियो और हमने ये जो लॉस है हमने इसको इक्वल में बांटा। अब ये जो लॉस है हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है। फिर सेम यहाँ का टोटल हमने जय का टोटल किया 20000 क्रेडिट साइड का ज़्यादा आया है जिसमें से हमने माइनस किया 2000 और उसका लॉस तो आया 16365। ये हमारा क्या है डेबिट साइड में आया है तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारा क्रेडिट साइड में मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके लिखेंगे जय अकाउंट 16365।
सेम हम विजय का करेंगे। विजय का क्रेडिट डेबिट साइड का ज़्यादा है, 5000 प्लस 1635, मतलब 6635 में से हमने माइन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमारा ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आया। ये हमारा क्रेडिट साइड है तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में, मीन्स असेट साइड में, और लिखेंगे वहाँ पे करंट अकाउंट विजय। फिर सेम हम असेट साइड का सारा टोटल, लायबिलिटी साइड का सारा टोटल, और हम नीचे देखेंगे हमारा टैली हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा आया है 2,03,265, सेम 2,03,265 टैली या हुआ, इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। इफ़ टैली नहीं हुआ तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया था। सेम एग्जांपल एक्सरसाइज में सम से सारे वही पॉइंट है जो हमने ऑलरेडी 11 में डिस्कस किया है, बस थोड़ा पॉइंट्स न्यू ऐड हो जा रहा है या थोड़ा सा उसको परसेंटेज या नंबर आउट में डाउट है। तो हमने इससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सब सीखा था, इस सब में पार्टनर्स करंट अकाउंट पूरा सीखा कि अगर पार्टनर करंट अकाउंट बनाना पड़े तो उसको कैसे बनाना है, एक्सरसाइज के सम करना। थैंक यू।